जी कौन बच्चा इसका आंसर देगा? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 -4 एंड 1 -2 इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस इन द रेशियो। हमारे पास लाइन सेगमेंट ये है। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं कुछ भी ना लिखूं। 3:1 हमारे पास ये पॉइंट है। अरे यार मेरा माइक ही नहीं है जो बताए क्या। ये हमारे पास पॉइंट है 3 -3 -4 एंड 1 -2 और इसको वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है। वाई एक्सिस डिवाइड करने का मतलब ये है एक्स जीरो लेना है। एक्स जीरो लेने का मतलब है कि एक्स वाला फॉर्मूला लगाना है। तो इसका मतलब रेशो होगा k:1। तो अब आपके पास क्या है क्योंकि x वाला लेना है तो m1 x2 तो k into 1 k 1 into -3 is -3 upon k+1 बस इतना सा। तो k+1 into 0 हो जाएगा तो k = 3। अगर k = 3 है तो रेशो हो गया 3:1। कौन सा ऑप्शन था? 3 ऑप्शन दैट्स इट। तो ये हमारे पास था। तो इतना सा ही लिखना है आपको। एक क्वेश्चन और देख। आंसर दीजिए इसका। द ओरिजिन डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग -4 -2 and 8:4 इन द रेशियो। वन इज टू टू ऑप्शन ए। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि ओरिजिन किस रेशो में डिवाइड करेगा। अगर ओरिजिन की बात कर रहा है तो भाई ओरिजिन में तो एक्स भी जीरो होता है वाई भी जीरो होता है। तो अब आपकी मर्जी है, आप चाहे एक्स का फॉर्मूला लें चाहे वाई का फॉर्मूला लें। तो एक्स का फॉर्मूला लेंगे, एक्स हो गया जीरो, रेशो हमारा होता है k:1 तो k को मल्टीप्लाई करिए 8 से 8k, 1 को मल्टीप्लाई करिए -4 से -4 अपॉन k+1। तो k+1 तो हमेशा जीरो आना है जब भी x एक्सिस y एक्सिस या ओरिजिन की बात करता है। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा 4/8 = k तो रेशियो हो गया 1:2। तो 1:2 इज अवर ए ऑप्शन। देखो मिड पॉइंट पे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन आपसे कह रहा है P-1:1 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी, देन वैल्यू ऑफ बी इज। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है, इसमें जो ए पॉइंट है वो -3b है और जो बी पॉइंट है वो 1b+4 है और इसका जो मिड पॉइंट है वो -1 1 है। आपसे कह रहा है बी की वैल्यू बताओ। बी की वैल्यू तो बी जो है वो वाई पे है। आपको पता है मिड पॉइंट होता है x1 + x2/2 = x एंड y1 + y2/2 = y। तो बी मुझे निकालना है तो वो वाई में आ रहा है। तो वाई का फॉर्मूला देखो, वाई की यहाँ पे वैल्यू है 1। तो 1 = y1 हमारा b है और y2 हमारा b+4 है by 2 तो 2 बन जाए 2 -4
is equals to 2b. So minus 2 upon 2 is equals to b. So b is equals to minus 1. तो हमारा b जो आएगा वो माइनस वन आए. तो इस तरह से आपके पास मिड पॉइंट पे क्वेश्चंस बनते हैं. देखो एक क्वेश्चन और देखो. सर एक बार और सुनिए. ओ ना सुमित ऑफिस कॉल आ रही. ये हमारे पास है क्वेश्चन. क्या है यहाँ पे? ट्रेंड निकालेंगे ऊपर जाने फर्स्ट फ्लोर जी. क्वेश्चन पता है क्या है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि माइनस वन वन इज द मिड पॉइंट of these two point AB. AB का मिड पॉइंट है ये P. तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? Y is equals to Y1 plus Y2 by 2. ये सबको पता है? Yes sir. तो यहाँ पे Y1 क्या है? यहाँ पे Y क्या है और Y1 क्या है, Y2 क्या है, ये आप देखो. B. Y1 B है और Y2 B plus 4 है. और Y क्या है? B. Y, Y. यहाँ पे Y क्या है? 1. Midpoint का जो Y coordinate है वो 1 है. और Y1 जो है वो B है. और Y2 जो है वो B plus 4 है. Upon 2. अब समझ में आ गया? Yes sir, आ गया. ठीक है, तो इससे B निकल जाएगा. आपके पास आ जाएगा 2 1 जा 2. 2b plus 4, 2, 4 इधर लाओगे तो माइनस 2 हो जाएगा. 2 से 2 कैंसिल करोगे तो b की वैल्यू माइनस 1 आएगी. नेक्स्ट देखो. यस, ये हमसे बहुत बार पूछता है, एग्जाम में भी आया होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. The coordinates of one end of a diameter of a circle is at 3, 5. If the coordinate of the center of the circle be 6, 6, then the coordinate of the other end of the diameter is. कोशिश करो क्या है ये क्वेश्चन. No. माइक म्यूट करो, क्वेश्चन नहीं दिख रहा. सर ए ऑप्शन है सर, 997. सर क्वेश्चन विजिबल नहीं है. देखिए नजर आ रहा है? यस सर. सर ए ऑप्शन है सर, 9.7. हमारे पास क्या है, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि गिवन क्या है. द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल. तो हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है.
और उसका एक एंड पॉइंट दिया हुआ है 3 5, और दूसरा जो है उसका दिया हुआ है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल और सेंटर दिया हुआ है 6 6, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर. तो दूसरा जो एंड है इसको आपको निकालना है, मान लो x2 y2, तो ना x की वैल्यू पता है ना y की वैल्यू पता है, ये आपसे पूछ रहा है. तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा कि जो सेंटर होगा वो मिड पॉइंट होगा. तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आएगा, तो यहाँ पे x है 6, x1 है 3, x2 हमें फाइंड करना है by 2, ऐसे. तो 6 2 12 माइनस 3 9, तो x2 is equals to 9. तो आप पहले चेक कर लिया करो कि 9 सब में दिया हुआ या एक में दिया हुआ है x की वैल्यू. तो x की वैल्यू 9 सिर्फ एक जगह है, तो यही मेरा ऑप्शन है, बात खत्म. लेकिन अगर मुझे y निकालना होता तो यहाँ पे मेरा y भी 6 है और मेरा y1 जो है वो 5 है, प्लस y2 by 2, क्योंकि y2 तो पता ही नहीं. तो 6 2 12, 12 माइनस 5 इज 7, तो y2 मेरा 7 है, तो मेरा आंसर आना चाहिए 9 7. तो इस तरह से, लेकिन कभी भी जिस तरह से दो या तीन वैल्यू निकालनी होती हैं, तो उसमें ऑप्शन में चेक कर लिया करो कि एक से ही मेरा काम चल जाएगा क्या. तो ठीक है, हाँ जी, समझ में आया? यस सर. अदनान हबीब साहब. यस सर. समझ में आ रहा है? यस सर. निहाल. यस सर. नसरीन. नसरीन. यस सर. फरहान. यस सर. कैसर. यस सर. इंशा. यस सर. यस सर. अयान. यस सर. रयान. यस सर. बुशरा. यस सर. तस्बिया. यस सर. जी. अदीबा. यस सर. कहाँ थे आप? सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था. हाँ, छुट्टी करके चले जाया करो क्लास से. जी सर, अच्छा एक्सक्यूज. कौन चेक करेगा कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो? सर नहीं, सच में नेटवर्क कनेक्शन हो गया, प्रॉब्लम हो गया था. हमको क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा था, फिर कुछ आ नहीं रहा था और आवाज भी नहीं सही आ रहा था, इसलिए हम फिर से किए हैं. अच्छा ठीक. हाँ जी सर, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा? यस सर. यस सर. गुड, चलो जी. तो हमारे पास क्या है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, मतलब एक पॉइंट और ले लेते हैं, फिर ये सारा ही कंप्लीट हो जाएगा. एरिया एक टॉपिक बचता है, फिर क्वेश्चंस देखते हैं. अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो लास्ट इसका टॉपिक है वो है एरिया. मैंने आज आपके लिए पेपर बनवाया है, ठीक है? तो इंशाल्लाह अभी 2-3 चैप्टर्स का एक टेस्ट देंगे, वो आपको पेपर देना है. हमारे पास क्या है, एरिया की बात करता है कि अगर हमारे पास ट्रायंगल दिया हो और उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, x1 y1 एंड x2 y2 एंड x3 y3, इस तरह से ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे. तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? तो एरिया होगा सर हाफ. ध्यान से देख लीजिए, इसमें ऑर्डर में बच्चे प्रॉब्लम करते हैं. तो पहले ऑर्डर देख लीजिए, x1 y1 पहला पॉइंट है, x2 y2 दूसरा पॉइंट है,
x3 y3 तीसरा पॉइंट है तो हम पहले x1 लेंगे और y का डिफरेंस नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट है उनके y का डिफरेंस तो y2 माइनस y3 ऑर्डर मैटर करता है तो इसी ऑर्डर में रखना है फिर प्लस आएगा ब्रैकेट के अंदर माइनस है ब्रैकेट के बाहर प्लस है फिर हम लेंगे x2 तो अब जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है उनका y का डिफरेंस उसके आगे से तो y3 माइनस y1 फिर लेंगे हम x3 और x3 अगर हम लेंगे तो जो y रह गए तो y रह गए कौन से y1 y2 तो इनसाइड द ब्रैकेट माइनस लेंगे आउटसाइड द ब्रैकेट प्लस लेंगे तो ये होता है यहां मैंने मॉड्यूलस लिया अगर आप ब्रैकेट यूज करते हैं तो ब्रैकेट यूज करिएगा बट अगर माइनस भी आएगा तो आपको एरिया पॉजिटिव लिखना डिस्टेंस हो एरिया हो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते तो अगर नेगेटिव आ भी रहे हैं तब भी आप उसको पॉजिटिव बताइए पॉजिटिव तो ये हमारे पास एरिया होगा तो इस पे एरिया पे बेस छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे पास है हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है ए बी सी आपसे उसका एरिया पूछ रहा है तो ऑर्डर में रखे हुए हैं बस आप ऑर्डर में रखते चले जाओ हाफ x1 3 होगा y का डिफरेंस 2 माइनस माइनस प्लस 1 x2 माइनस 4 माइनस अगर होगा ध्यान से रखना है तो माइनस 1 माइनस 8 प्लस x3 5 है फिर 8 माइनस 2 इस ऑर्डर में रख लेंगे तो आंसर आ जाएगा सर सुनाई दे रहा है यस सर ठीक है यस सर तो हमारे पास क्या है हमारे पास हो गया 3 जा 9 माइनस 9 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 9 4 जा 36 8 माइनस 2 6 6 5 जा 30 ये हमारे पास आ गया 1/2 तो आपके पास कितना आ गया सर 45 75/2 37.5 तो अगर कहीं हो 37.5 तो ये मेरा आंसर तो ये हमारे पास एरिया तो ये तीन ही आपके पास फॉर्मूले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला इंटरसेक्शन फॉर्मूला और एरिया फॉर्मूला सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं देखो एक दो क्वेश्चन देखो जो एग्जाम्स में आए हुए हैं अल्लाह मेरी तौबा देखो इसमें जो ये असाइनमेंट है इसमें सबसे लेटेस्ट 2012 का क्वेश्चन है अभी मैं 2019 का भी देखता हूँ ये 19 का क्या है ये हमारे पास क्वेश्चन है कल हमने डिस्कस किया कि व्हाट फिगर इज ऑब्टेंड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स हमारे पास तीन पॉइंट दिए हुए हैं 4-1, 5-3 and 6-1 इससे क्या बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट ट्रायंगल नन ऑफ दिस तो आपको करना क्या होता है जल्दी जल्दी से आपको डिस्टेंस निकालना है हमारे पास क्या है एक पॉइंट है 4-1 दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है 5-3 तीसरा पॉइंट क्या है 6-1 आपको निकालना है डिस्टेंस ए बी तो 4-5-1 उसका स्क्वायर आपके लिए लिख रहा हूं अदरवाइज पहले देख लो लिखना क्या चाहिए था सीधा सीधा क्या आएगा हमारे पास जो आएगा हमारे पास आएगा मैं अंडर रूट में लिख लेता हूं 4-5 x2-x1 का स्क्वायर -1 -1 का स्क्वायर 1 -1 -3 -4 -4 का स्क्वायर 16 तो 16+1 17 इसका डिस्टेंस निकालते हैं 5-6 1 1 का स्क्वायर 1 3-+y2-y4 4 का स्क्वायर 16 तीसरा डिस्टेंस निकालते हैं तीन पॉइंट भी आप जैसे लिखे हैं अदरवाइज वहीं से काम चल जाता तो हमारे पास क्या होगा इसको और इसको निकालो 4-6 2
डिफरेंस माइनस टू, टू का स्क्वायर फोर, एंड माइनस वन माइनस माइनस प्लस जीरो हो जाएगा, तो माइनस वन प्लस वन जीरो, तो ये हमारे पास हो गया फोर। तो अब फोर का आइसोसेलेस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस, यस आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये आंसर 2012 का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन देखते हैं 2019 का, देखते हैं अगर इसमें मिल जाए पेपर में क्या आया था। देखो हमारे पास दो क्वेश्चन आए हुए हैं, टू थाउजेंड नाइनटीन में, जल्दी बताओ अभी जो क्वेश्चन किया था वही है। द पॉइंट्स 3A0, 03B एंड A2B लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, फॉर्म ए ट्रायंगल, फॉर्म इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर्म ए राइट ट्रायंगल। जल्दी बताओ 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया सर, ए नंबर स्ट्रेट लाइन, यस सर, लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, कैसे निकाला ये स्ट्रेट लाइन होगा? आपने स्ट्रेट लाइन कैसे निकाला? स्ट्रेट लाइन होगा, देखो यहाँ पे एक चीज आती है जो हमने डिस्कस भी नहीं करी, अच्छा हुआ ध्यान आ गया। यस सर स्ट्रेट लाइन आएगा, यस सर स्ट्रेट लाइन, एरिया जीरो आ रहा है सर, मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं सर। सर डिस्टेंस निकाल कर भी आ सकता है जी। गुड, देखो हमारे पास क्या होता है, समझ लो जरा एक चीज, ये टॉपिक रह गया था, मैंने आपसे कहा था मैं बताऊंगा, आप सब बच्चे जरा ध्यान से देखो। अगर आपके पास तीन पॉइंट है, सब बच्चे ध्यान से देख लो, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, तो अगर ये पॉइंट कोलीनियर हैं, ठीक है, तो इन दोनों का देखो, इन दोनों का ए बी वाई टू माइनस वाई वन और x2 टू माइनस एक्स, और इन दोनों का देखो
बी सी का वाई थ्री माइनस वाई टू एंड एक्स थ्री माइनस एक्स टू और फर्स्ट एंड लास्ट का देखो इसका और इसका y3 थ्री माइनस वाई वन और x3 थ्री माइनस एक्स वन ये इक्वल होना चाहिए y का डिफरेंस और x का डिफरेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए अगर कोलिनियर है तो डिफरेंस इक्वल होगा और अगर डिफरेंस इक्वल है तो कोलिनियर होंगे जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन था हम यहाँ चेक करना चाह रहे हैं या तो मतलब मसला है कि डिस्टेंस निकालें ए बी सी अगर स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो सबसे आसान जो चीज हमारे पास जो पॉइंट दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 3a, 0, 0, 3b एंड a, 2b तो मैंने आपसे क्या कहा y का डिफरेंस यहां जो y का डिफरेंस आएगा 3b माइनस 0 3b आएगा x का डिफरेंस 0 माइनस 3 अब यह ध्यान रखना है अगर आप इसमें से इसको माइनस कर रहे हो तो इसमें से भी इसको माइनस करोगे ये नहीं कर सकते अगर इधर से माइनस कर रहे हो तो इधर से ही करोगे ठीक है क्योंकि वहां होल स्क्वायर था डिस्टेंस पे मैंने आपसे कहा था किधर से भी ले ली लेकिन सीक्वेंस वही रखा कीजिए तो 3b माइनस 0 0 माइनस 3a तो माइनस 3a आएगा तो माइनस बी अपॉन ए आ गया अब जरा इसमें देखो वाई का डिफरेंस 2b माइनस 3b तो माइनस बी एंड ए माइनस 0 इज ए तो ये भी बी अपॉन ए आ गया माइनस में अब जरा इसको देखो दो से भी पता चल जाता है दो का भी हो गया तब भी कोलिनियर तीसरे को देखो 2b माइनस 0 तो 2b आएगा और a माइनस 3a माइनस 2a आएगा माइनस 2a तो यहां पे भी आपका माइनस बी बाई आया तो अगर आपका y का डिफरेंस अपॉन x का डिफरेंस सेम होता है तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो फिर हमें ना एरिया निकालना ना डिस्टेंस निकालना ये सब बच्चे एक बार नोट भी कर लो ठीक है चलो मैं तो इसको रिकॉर्ड करके दे दूंगा आपको तो ये चीज आप बच्चों को ध्यान रखना है हमारे पास पे क्वेश्चन बन जाता है देखो एक क्वेश्चन देखो इस पे ये एग्जाम्स में आपने खूब किया होगा टेंथ वाले में ये हमारे पास क्वेश्चन है If the points 81, k minus 4 and 2 minus 5 are the collinear, then the value of k equals. If the points 81, k minus 4 and 2 minus 5 are collinear, then the value of k equals. तो ये collinear है तो या तो आप इसको एरिया निकाल के जीरो रखो या सीधा सा आसान जो मैंने अभी आपसे कहा तो मैंने आपसे क्या कहा कि y का डिफरेंस और x का डिफरेंस सेम होता है तो किसका इन दोनों पॉइंट्स का इन दोनों पॉइंट्स का मतलब माइनस फोर माइनस वन वाई का डिफरेंस एक्स का डिफरेंस के माइनस एट इक्वल होगा इन दोनों को ले लो लेकिन इसमें के आ रहा है तो मैं इसे नहीं ले रहा मैं पहले और लास्ट वाले को ले रहा हूं माइनस फाइव माइनस वन और टू माइनस एट ऐसे तो अब आपके पास क्या आएगा ये आपके पास आएगा माइनस सिक्स इक्वल टू थ्री माइनस गुड माइनस सिक्स ये भी माइनस सिक्स तो ये हो गया वन अच्छा ये हो गया माइनस फाइव के माइनस एट ये बस आप तो के माइनस एट को इधर ले जाइए तो आपके पास आएगा माइनस फाइव इज इक्वल टू के माइनस एट एट इधर आके प्लस हो जाएगा तो एट माइनस फाइव इज थ्री तो के इज इक्वल टू थ्री तो ना एरिया निकालना ना डिस्टेंस निकालना तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कि अगर आपको ये चेक करना है कि कोलिनियर है क्या तो y का डिफरेंस अपॉन x का डिफरेंस कम से कम दो पेयर का ले लो तो आसान हो जाएगा एक क्वेश्चन और देख लो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आया हुआ है फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सर लिंक आया हुआ मैम का अरे मैम का लिंक इंग्लिश क्लास का लिंक सर क्या कह रहे हैं सर बोलो इंग्लिश क्लास का लिंक आया हुआ मैम मैसेज कर रही आप बोलिए आवाज कम आ रही बोल रहा हूँ सर इंग्लिश क्लास का लिंक आया हुआ है सर आने दीजिए ना क्या करें फिर इधर देखो
हमारे पास क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ टू पॉइंट्स ए बी आर 3, 4 एंड 5, -2. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट पी ए पी बी इज इक्वल्स टू एरिया ट्राइंगल पी ए बी 0. एक क्वेश्चन ये आया था, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ टू पॉइंट्स ए बी इतना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट पी वेयर पी इज इक्वल्स टू पी बी एंड एरिया इज इक्वल्स टू ट्राइंगल पी ए बी. ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप लोग खुद करेंगे. ए बी दिया हुआ है, पी निकालना है, उसमें दो कंडीशन दी हुई है. ध्यान से देख लीजिए हो क्या रहा है. हो रहा है कि ए हमारे पास है, ए हमारे पास है 3, 4, बी हमारे पास है 5, -2, पी आपको निकालना है. मान लीजिए एक्स वाई, कंडीशन दो है, पी ए इज इक्वल टू पी बी. ये भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी टू वेरिएबल्स निकालने होंगे तो दो इक्वेशन बनेंगे. अगर एक वेरिएबल निकालना होता तो एक इक्वेशन, दूसरी एक तो यहां से इक्वेशन बनेगी, दूसरी कहां से बनेगी कि ट्राइंगल पी ए बी इज इक्वल टू 10. तो पहली इक्वेशन यहां से बनाओ, दूसरी यहां से बनाओ और एक्स वाई को सॉल्व करो. तो ये दो क्वेश्चन आए थे आपके पास 2019 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे. तो कोशिश कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, एनसीईआरटी की बुक हो तो एनसीईआरटी सॉल्व कर लीजिए. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप एनसीईआरटी सॉल्व करें. चलिए सर, शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम सर. क्लास में कुछ आज इंटरेस्ट आया कुछ क्लास में? यस सर, मजा आया है जी. यस सर. यस सर. थोड़ा सा ये है कि सामने टीचर खड़ा होता है तो ऐसा फील होता है, फील ये होता है. हाँ, थोड़ा सा ये रहता है कि जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं. यस सर. तो इसी वजह से फिर आज मैंने कहा आप लोगों के साथ जो है लाइव मुलाकात हो जाए. चलिए सर, थैंक यू.